नए इंटीग्रेटेड टाउनशिप व एरो सिटी बनाने के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार पहले हमारे बीच आकर जन सुनवाई करे, उसके बाद जमीन अधिग्रहण करे। डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप व एरो सिटी बनाने के खिलाफ धरने की अगुवाई कर रहे पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि सरकार की नए शहर बनाने की योजना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। नए टाउनशिप के लिए करीब 3,080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है, जिसमें 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि है, करीब 2,334 हेक्टेयर निजी भूमि है, जिसे सरकार अधिग्रहित करने की तैयारी में है, लेकिन बिना जन सुनवाई के ग्रामीणों को नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नाराज है। आह्वान पर डोईवाला की समस्त जनता, छात्र, नौजवान, अधिवक्ताएं, महिलाएं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ ये पूरे राज्य को स्मार्ट सिटी में बदलेंगे। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि विनाश के नाम पर विकास हमें नहीं चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें गांव चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारी गवर्नमेंट देश और विदेश की सैकड़ों कंपनियों को एंट्री करा चुकी है। हम सिर्फ किसान मोर्चा उसका पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक किसान को किसान का हक नहीं मिलता। संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला, किसान उत्तराखंड और संयुक्त सर्वदलीय बैठक के साथ आज हम लोगों ने जैसे पहले आह्वान किया था उसके तहत आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो क्षेत्र के सात गांव हैं, माजरी, फतेहपुर, मरबुल्ला वाला, छबरा वाला और खैरी का कुछ गांव है, उनमें सात गांव लिए गए हैं एरो सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पर। कंक्रीट का जंगल जो गवर्नमेंट बनाए जा रही है, इसमें व्यक्ति को भी चयनित किया गया जो यहाँ के रूपरेखा 1100 करोड़ रुपये की योजना है, उसके तहत ये स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। हम चाहते हैं किसान का शोषण ना हो, किसान ने अपनी भूमि कंक्रीट जंगल होने से बचाने की भूमि माफिया से अभी तक बचाई भी है, उनकी ज़मीन को लूट लिया जाएगा, उसके खिलाफ हम सख्त आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करें। अभी हमने पहली बैठक करके मांग की है और आगे अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समाचार पत्र के माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार कुछ भूमि टाउनशिप के में अक्वायर करना चाह रही है, तो सारे किसानों को जब पता चला उनको उनके अंदर आक्रोश आया बहुत ज़्यादा कि ऐसे कैसे सरकार हमारी जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अभी आपने देखा ही होगा 5-6 साल पहले ही नगर टाउन एरिया का नगर पालिका बनाया गया, तो उससे शहर का विकास नहीं होगा कि तब टाउनशिप बनेगी तभी शहर का विकास होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी जगह खाली पड़ी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, आप वहाँ पे नई नई इंडस्ट्री लगाइए जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिल सके, ना कि नई नई टाउनशिप बनाइए। ये टाउनशिप कुछ नहीं है, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े उनको बेचने की एक साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो ये सरकार ने एरो सिटी या क्या सिटी है, स्मार्ट सिटी का जो ये प्रस्ताव रखा है बिना किसानों से पूछे, किसी भी किसान की, किसी भी ग्रामीण की, किसी की भी राय नहीं ली गई, ना किसी जनप्रतिनिधि की कोई राय ली गई है। और अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे एरिया में एरो सिटी या बन रही है और हमारी ज़मीनें अखबार करने सरकार जा रही है, तो ये असमंजस की स्थिति है। इसलिए हमें SDM साहब को ज्ञापन के माध्यम से सरकार से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं तो सही, किसी काश्तकार से, किसी किसान से, ग्रामवासी से पूछे दो, आकर एक बार भी आप इच्छुक वो नहीं देने अपनी ज़मीन के, और अगर सरकार हमें उठाएगी तो हमारा क्या व्यवस्था करेगी, कहाँ भेजेगी हमें, क्या है, तो इसलिए तो ये क्लियर करे सरकार, अपनी सरकार से मांगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। आज यहाँ से जाकर उसकी बैठक होगी, कहाँ पे आंदोलन होगा, क्या होगा, अगर सरकार कोई स्थिति क्लियर नहीं करती। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।